चलिए यहां तक हो गया। अब बिल पे बात करते हैं। बिल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो देखिए, बिल जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला पहला सिंपल बिल, साधारण विधेयक जिसको कहते हैं। दूसरा है मनी बिल, तीसरा है फिनांस बिल जिसको वित्त विधेयक कहते हैं, और चौथा है संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन विधेयक। इसमें संविधान संशोधन जो था वो आपको पहले क्लास में ही बता दिया गया, संविधान के साथ ही हम लोगों ने उसको सेट किया था। संविधान संशोधन तो आपका हो चुका है। इन तीन बिलों को हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले अब इसके पीछे कुछ सवाल है हमारे, दो सवाल है। एक पहला सवाल कि ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है राज्य में, या यहां पे राष्ट्रपति संसद में ज्वाइंट सेशन तो राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं, आर्टिकल 10, बताओ क्या लगा दे यहां पे, 108 के तहत। लेकिन सवाल आपसे यह है कि विधानमंडल में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अगर ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन हो तो फिर वहां पे इसको अनाउंस कौन करेगा, बताओ। मैसेज कीजिए। गवर्नर, गवर्नर करेगा, ठीक है। क्या ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है? नहीं है। स्टेट के अंदर, क्लियर, कान खोल के सुन लो, स्टेट के अंदर राज्य विधानमंडल में कोई भी ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं किया गया है, कोई भी ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है, ये क्लियर रखिएगा। क्यों नहीं है अभी डिस्कस करेंगे। एक और सवाल है, सवाल एक और है, वो ये है कि आपके पास अभी तीन बिल है, संविधान अभी साधारण बिल है, मनी बिल है और वित्त विधेयक है, तीन है ना। इन तीनों में, इन तीनों में किस बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है? किस बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, फटाफट बताओ, क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तो पढ़ाने का पॉलिटी मतलब नहीं है। पॉलिटी में गलती करोगे तभी सीखोगे, ये एक नियम है, और सब जगह कर सकते हो। पॉलिटी में गलती करना ही करना है, कोई विकल्प ही नहीं है दूसरा, फिर गलती हो गया। देखिए ध्यान रखिएगा, जो फिनांस बिल है उसमें, जो फिनांस बिल है सिर्फ मनी बिल को, मैंने यहां पे हमने क्या सवाल पूछा था, हमने सवाल पूछा था कि किसको लौटाया जा सकता है तो पुनर्विचार के लिए, तो साधारण बिल भी लौटेगा और फिनांस बिल भी लौटेगा, फिनांस बिल भी लौटेगा, साधारण बिल भी लौटेगा, ठीक है। इसके बाद चार बिल है ना, चार बिल है, साधारण बिल, मनी बिल, फिनांस बिल और संविधान संशोधन बिल। एक और सवाल, इनमें से किस बिल पर ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है? किस पे ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है? नहीं है। देखिए मनी बिल है ना, ठीक, मनी बिल पे नहीं है। कोई और खोजो, एक बार ढूंढो, कुछ और मिलता है, नहीं मिलता है। संविधान संशोधन बिल, ठीक है, ठीक है, संविधान संशोधन बिल और मनी बिल पे ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। फिनांस बिल नहीं, फिनांस बिल जो लिखे हैं गलत लिखे हैं, फिनांस यानी वित्त विधेयक साधारण विधेयक में बदल जाता है, और साधारण विधेयक पे आपको पता है 108 लगता है तो वहां भी लगेगा, तो क्यों लगेगा अभी देखेंगे। एक और लास्ट, लास्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं। लास्ट ये है कि विधान परिषद को, स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर में, अच्छा ये तो पूछ लिया ना, ये 108 क्यों नहीं लगता, ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं होता, चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं साधारण बिल की। देखिए साधारण बिल जो होता है वो किसी के द्वारा पेश किया जा सकता है, मंत्री के द्वारा हो सकता है, जो मंत्री नहीं है मेंबर है सिर्फ उनके द्वारा हो सकता है, तो ये किसी के द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ फैक्ट्स क्या है, दूसरा फैक्ट यह है कि जो साधारण बिल होता है, एक मिनट,
जो साधारण बिल होता है उसको मंत्री भी पेश कर सकता है, गैर मंत्री भी। अब सवाल है सरकारी बिल और प्राइवेट बिल कौन सा होता है। सरकार एक हम लोग कहते हैं सही नहीं, साधारण बिल जो आपका होता है वो सरकारी भी हो सकता है प्राइवेट भी हो सकता है। सरकारी क्या होता है, सरकारी का मतलब ये है कि यदि मंत्री के द्वारा बिल पेश किया गया है तब तो वो सरकारी बिल होगा, लेकिन यदि मंत्री ने उस बिल को पेश नहीं किया है तो वो प्राइवेट बिल होगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी के मेंबर के द्वारा ही क्यों ना पेश किया गया हो। यानी मंत्री के अलावा पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी सदस्य के द्वारा बिल लाया जाता है तो वो प्राइवेट बिल होगा, सिर्फ मंत्री बिल लेके आएगा तभी वो सरकारी बिल कहलाएगा। तो साधारण बिल के साथ कंडीशन क्या है, ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश हो सकता है, इसको राष्ट्रपति के पहले परमिशन की जरूरत नहीं है, ये सरकारी बिल भी हो सकता है प्राइवेट बिल भी हो सकता है, और जब ये पास होता है तो पूरे 5 स्टेज से गुजरता है, इसको रीडिंग कहते हैं, 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग, इसको हिंदी में पाठन कहा जाता है, जिसमें 1 से 3 पाठन जिसको हिंदी में कहते हो और इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं, उस रीडिंग से ये गुजरता है। तो 1 से 3 में जब जाता है ये किस जिस हाउस में जाएगा वहीं पे होगा। अब जिस हाउस में जाएगा वहां 1 से 3 क्या होगा, तो पहला यहां पे पहला रीडिंग जो होता है उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हाउस को इन्फॉर्म करना है कि हम बिल लेकर आ रहे हैं, किस पर्पस से लेके आ रहे हैं और हम बिल ला रहे हैं ये बताना होता है। लेकिन यदि मंत्री है तो उनका वैसे ही पावर होता है, वो पहले ही गजट में अपने बिल को अगर पास मतलब पब्लिश करवा चुके हैं, गजट में ऑलरेडी शामिल करवा चुके हैं, तो पहले रीडिंग की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। तो पहले रीडिंग में बेसिकली हाउस को इन्फॉर्म करना होता है कि बिल ला रहे हैं या किस उद्देश्य से ला रहे हैं, हो गया। अब दूसरा, दूसरे में क्या है, दूसरा में क्या होता है कि अब जब बिल आता है अब उस बिल पर होती है बहस, बिल पे होती है बहस। अब उसमें दूसरे स्टेज में क्या होगा कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ काम, जैसे पहला क्या, आप इसको किसी भी कमिटी को दे सकते हैं, आप इस बिल को कमिटी को दे सकते हैं। कमिटी दो तरह की होती है, एक प्रवर कमिटी होती है, एक संयुक्त कमिटी होती है। तो जो ज्वाइंट कमिटी होती है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। जो प्रवर कमिटी होती है वो सिंगल हाउस वाली कमिटी होती है, उसके अंदर या तो लोकसभा के मेंबर होंगे या राज्यसभा के मेंबर होंगे, बिल तो दोनों ही हाउस में जाना है। तो अमूमन सेकेंड रीडिंग में क्या होता है कि बिल को सीधे ज्वाइंट कमिटी, जो संयुक्त कमिटी होती है ना लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर, उसको दे दिया जाता है, ये अमूमन होता है। और किया क्या जा सकता है, दूसरा डायरेक्ट डिस्कशन स्टार्ट किया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है जो नहीं की जाती है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि इसको वोटिंग के लिए दिया जा सकता है, पब्लिक ओपिनियन के लिए दिया जा सकता है, ठीक है, पब्लिक डोमेन पे रखा जा सकता है उनके ओपिनियन के लिए, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अमूमन क्या होता है, इसको कमिटी को दे दिया जाता है, कमिटी उस पर डिस्कशन वस्कशन सारा रिपोर्ट फुटनोट सब तैयार कर लेती है, उसके बाद हमारे एमपी या एमएलए साहब को दिया जाता है, वो उसको लेते हैं और उसके बाद डिस्कशन शुरू होता है। ये सारी कहानी सेकेंड रीडिंग में हो रही है, अच्छे से समझ लो, ये सारी कहानी सेकेंड रीडिंग के अंदर चल रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब ये सेकेंड रीडिंग में जितना भी डिस्कशन होना है, किसी पार्ट को हटाना है, किसी को शामिल करना है, ये सारी कहानी सेकेंड रीडिंग के अंदर दोहराई जा रही है, ये सारी चीजें सेकेंड रीडिंग में हो रही है, क्लियर। अब जब सेकेंड रीडिंग में सारी चीजें कट कुटा के विधेयक एक बार तैयार हो गया ठोक पीट के, तब ये जाता है थर्ड रीडिंग में। और थर्ड रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में कुछ नहीं होता है, सिर्फ वोटिंग होती है, या तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट होगा, दो ही चीज होगा, या तो वो एक्सेप्ट होगा या वो रिजेक्ट होगा। तो सेकेंड थर्ड रीडिंग में कुछ नहीं होता, कोई कट पेस्ट नहीं होता, जो यहां से कट कुटा के आ चुका है बिल, उस बिल पे सिर्फ वोटिंग होगी, या तो पास होगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पास हो गया तो ये कहां जाएगा, फोर्थ में, दूसरे हाउस में, जो दूसरा हाउस है वो हाउस अपना देखेंगे कि क्या करना है नहीं करना है, वो भी अपने इसी इसी तरह से डिस्कशन करेंगे, फिर वहां भी वोटिंग होगी, और जब हो जाएगा तो
तो फिफ्थ स्टेज में ये हमारे राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचेगा और राष्ट्रपति साहब फिर अपना वीटो लगाएंगे। एक्चुअली वीटो कुछ होता नहीं है, राष्ट्रपति में आपने देख लिया है वीटो कुछ होता नहीं है, वीटो जस्ट राष्ट्रपति बिल पर क्या स्टेप लेते हैं ना, समझो वही वीटो है। तो अलग से पढ़ नहीं पढ़ेंगे ना तब भी काम चलेगा। अब साधारण बिल जब इनके पास गया राष्ट्रपति के पास, तो क्या कर सकते हैं, या तो वो उसको अप्रूवल देंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे या कहेंगे अरे भाई गड़बड़ी है एक बार देख तो लो, यानी रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे, यानी पुनर्विचार के लिए भेज देंगे, और नहीं बहुत ज्यादा खुश हो गए तो कहेंगे कि ठीक है पॉकेट में डाल देंगे। अब पॉकेट में डालने का मतलब पूछेंगे भाई साहब कोई मंत्री जाके कि क्या सर महामहिम साहब कब पास कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे हाँ करते हैं, करेंगे कि नहीं अच्छा देखते हैं, मतलब कुछ नहीं हाँ या ना नहीं विधेयक पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे संविधान में लूप होल्स है, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में 10 दिन के अंदर उनको अप्रूवल देना है, यहाँ लूप होल है। लूप होल क्या है कि राष्ट्रपति सहमति देंगे, कब देंगे नहीं देंगे कैसे देंगे वो समझे, 10 साल लगा ले 20 साल लगा ले उनकी मर्जी। तो फिफ्थ में जाता है इनके पास, लेकिन अभी यही कहानी खत्म नहीं हुई है आपकी। साधारण बिल में एक छोटा सा अभी यहाँ पे ट्विस्ट है। अब इस साधारण विधेयक में क्या हुआ कि यदि मान लो ये बिल लोकसभा से पास हुआ राज्यसभा में चला गया, और राज्यसभा ने क्या किया, मान लीजिए अब ज्वाइंट सेशन पे आते हैं हम लोग, ये बिल क्या हुआ लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा में चला गया। अब लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा से चला गया, राज्यसभा में चला गया, ठीक है, लोकसभा से पास हुआ राज्यसभा में चला गया, कितने दिन में इसको राज्यसभा मैक्सिमम कितना दिन रोक सकती है बताइए, छह महीने, गुड, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने रोक सकती है। अब इसने 6 महीने रोक लिया, इसने 6 महीने इसको रोक लिया, चलो ठीक है। अब 6 महीने रोकने के बाद इन्होंने या ये रोक लिया, एक तो रोक लिया, इनको नहीं रोकना चाहिए, हो गया वहां पे झगड़ा। दूसरा क्या हो सकता है, एक और कंडीशन हो सकता है, इन्होंने बिल को लौटा दिया, लेकिन ऐसे अमेंडमेंट किए, ऐसे अमेंडमेंट किया, ऐसा संशोधन किया जो लोकसभा को पसंद ही नहीं, या जो उस हाउस को पसंद नहीं जिसने बिल पे भेजा है, मामला फंस गया, मामला फंस गया। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, सिंपल बिल में आर्टिकल 108 का यूज करेंगे और ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन कर देंगे, बोलेंगे आ जाओ दोनों मिलकर बैठते हैं, गप्पे सप्पे मारते हैं। अब ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन होगा, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, नहीं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे, नहीं तो यानी स्पीकर होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे या डिप्टी स्पीकर होंगे, या राज्यसभा के वाइस चेयरमैन होंगे, चेयरमैन नहीं होंगे, ध्यान रखना चेयरमैन नहीं होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, और वो उस हाउस की उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे। अब क्या है, उस ज्वाइंट सेशन की जब अध्यक्षता कर रहे होंगे तो क्या डिस्कशन पूरा होगा, नहीं, जिस मुद्दे पे दोनों के बीच में बहस है और बिल अटक गया है, जिस मुद्दे पर बहस है और बिल अटक गया है, सिर्फ उसी मुद्दे पे वोटिंग होगी, और ये वोटिंग सिंपल वोटिंग होगी। अब जब सिंपल वोटिंग होगी, लोकसभा का सदस्यता ज्यादा है तो लोकसभा पक्ष में होगी, विपक्ष में हो, जीतेगा वही, तो अक्सर हाँ लोकसभा यहाँ हावी हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिंपल मेजोरिटी होनी है, लोकसभा की संख्या अधिक है तो वो वोट करेंगे और बिल निकल जाएगा। तो ज्वाइंट सेशन में सिर्फ वही डिस्कशन होता है जो मुद्दा है, जिस पे दिक्कत है, तो उस पे डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी और वो बिल पास हो जाएगा, तो पास होगा या फेल होगा जो भी होगा वहां पे डिसीजन हो जाएगा। ये है आपका सिंपल बिल, इसी को सिंपल, हाँ यहां पे मैंने जो सबसे पहला सवाल पूछा था कि स्टेट लेजिस्लेचर में यानी राज्य विधानमंडल में ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं है, होना चाहिए ना, राज्यपाल साहब बुला लेंगे 100, वहां पे भी कोई आर्टिकल लगा दिया जाएगा, 90 जोड़ दीजिए जो आता है, तो वहां भी लगा दिया जाता, लेकिन वहां ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। कारण क्या है पता है, कारण है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मोस्ट पावरफुल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है जिसको विधान परिषद कहते हैं वो राज्यसभा की तरह मजबूत नहीं है, वो कमजोर है। सिंपल बिल के मामले में भी विधानसभा, सिंपल बिल के मामले में जब विधानसभा पास करके विधान परिषद को भेजेगी, यानी विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजेगी, तो ये क्या करेगा, ये पहली बार में 3 मंथ के लिए इसको रोक सकता है, पहली बार में मैक्सिमम 3 महीने के लिए रोक सकता है,
लेकिन उसी बिल को विधानसभा दोबारा से पास करके भेज देगी तो हार्डली एक महीने और ये रोक सकते हैं, वो बिल एज इट इज पास हो जाएगा जैसा विधानसभा चाह रहा है। तो यहां पे ज्वाइंट सेशन इसलिए नहीं है कि आप बहुत करोगे तो चार महीना अटका लोगे, उससे ज्यादा आप क्या कर लेंगे। पहली बार में 3 महीना, दूसरी बार में 1 महीना, कहानी खत्म, इससे और ये पास करवा लेगा। लेकिन यहां ये पॉसिबल नहीं है, यहां राज्यसभा ने अगर पंगा कर दिया तो आपका बिल पास नहीं होना है, तब तो विरोध हो गया, 6 महीना अटका दिया तो फंस गया मामला, क्योंकि यहां से अप्रूवल चाहिए आपको। इसीलिए यहां पे ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन किया गया है, और यहां पे ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है, जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ फटाफट। एक बार और, ठीक है। देखो विधानसभा है ना, विधानसभा जब बिल कोई पास करती है ना, वो विधान परिषद में गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गया, काउंसिल नहीं होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गया। जब असेंबली में वो बिल गया तो कहा जाता है उस बिल को अगर ये अमेंड करते हैं और इनको पसंद ना आए, ठीक है, ये उसमें संशोधन करके इसको वापस कर देते हैं, या वो 3 महीने तक अटका देते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेते हैं, तो अमेंडमेंट करके इनको भेजे या बिल लटका दे 3 महीने, इनको लगता है वो बिल उसी तरह पास होना चाहिए, ये दोबारा उसको पास करके भेजेंगे तो एक महीने के एक मतलब दो भेजेंगे तो एक महीना तक रख सकते हैं अप्रूवल दे, तो ठीक है, अदरवाइज माना जाएगा कि दोनों ही हाउस ने उसको पास कर दिया जैसा विधानसभा ने भेजा था, जैसा विधानसभा ने भेजा था वैसे ही पास हो गया। तो हार्डली ये 4 महीना रोक सकते हैं, बिल को पास होने से नहीं रोक सकते हैं, बिल को ये मुश्किल से 4 महीना डिले कर सकते हैं। इनके पास डिले की पावर है, इनके पास बिल को पास ना होने देने की पावर है। तो ना होने देने के कारण समझौता तो करना पड़ेगा, यहां समझौता किस बात का, करना है तो करो, नहीं तो हम भेज रहे हैं दोबारा उसको, तो तुमको करना ही है, तो किस बात का समझौता, क्यों बुलाएंगे उसको। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मनी बिल की, अब बात करते हैं 110 की, 110 की। देखिए सबसे पहले मनी बिल और फिनांस बिल दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो गोला है ना, ये वाला जो गोला है, मैथ्स ज्यादा मेरा मजबूत नहीं है, फिर भी ये आपका फिनांस बिल है, ठीक है, ये है आपका वित्त विधेयक, इसके बीच में एक गोला है, वो गोला है मनी बिल का। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो मैथमेटिकल हिसाब से कि हर एक मनी बिल फिनांस बिल होता है, लेकिन हर फिनांस बिल मनी बिल नहीं होता है। यानी हर एक वित्त विधेयक धन विधेयक, सॉरी, हर एक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर एक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। मनी बिल का प्रोविजन आर्टिकल 110, 110, ये मनी बिल को लेकर क्या है कि मनी बिल को लेके कुछ प्रोविजंस हैं। सबसे पहले मनी बिल होता क्या है, आर्टिकल 110 के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, एक तो उसके अंदर मनी बिल होता है, उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट है लाइक कंसोलिडेटेड फंड, स्टेट सेंटर दोनों की बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है संचित निधि, कंटीजेंसी फंड आकस्मिक निधि, पब्लिक अकाउंट फंड लोक लेखा निधि। तो संचित निधि, लोक लेखा निधि या आकस्मिक निधि, इन सब में से पैसे निकालने हो डालने हो तब इसको मनी बिल कहेंगे। कोई भी ऐसा टैक्स लगाना हो हटाना हो, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो संचित निधि पे डालना हो, कोई भी ऐसे इनकम हुई है या एक्सपेंडिचर खर्ची है वो हमें संचित निधि से करना है, कोई पैसा आया उसको डालना है, यानी हर स्थिति में अगर ये कंडीशन क्रिएट होता है तो वो मनी बिल की स्थिति बनती है। लेकिन सब कुछ हो जाए, सारा मनी बिल का प्रोविजन हो उसके अंदर, लेकिन यदि लोकसभा स्पीकर, लेकिन यदि लोकसभा स्पीकर उस मनी बिल को ध्यान से सीख से समझिए, अगर उस बिल के पीछे पलट के ये ना लिख दे कि ये मनी बिल है, तब तक वो मनी बिल नहीं हो सकता। यानी वो किसी पे भी लिख देगा तब भी हो जाएगा। यानी लोकसभा स्पीकर को अल्टीमेट पावर है कि जब तक वो बिल को वेरीफाई ना कर दे कि ये मनी बिल है, तब तक वो मनी बिल नहीं होता है। अब यहां एक चीज आया, वो ये आया
कि दो तरह के इसके ऊपर चार्जेस होते हैं। पहला चार्जेस दो तरह का होता है, मतलब इसको ऐसे समझिए, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं एक्चुअली। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, एक होता है अनचार्ज्ड। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, अनचार्ज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, उसको हिंदी में कहते हैं भारित व्यय, अनचार्ज्ड को कहते हैं गैर भारित व्यय। जो भारित व्यय होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है, जैसे किसी की सैलरी देनी है, किसी के ऑफिस का खर्चा चलाना है। अब मान लो ये चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, अब इसमें आप किसी भी स्थिति में कटौती तो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको पास ही नहीं करेंगे, इसमें वोटिंग ही नहीं होगा। इस चार्ज और अनचार्ज के बीच में अंतर क्या है? अंतर ये है कि चार्ज एक्सपेंडिचर पर डिस्कशन तो हो सकता है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती है। चार्ज एक्सपेंडिचर पर डिस्कशन तो हो सकता है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती है, क्लियर। दूसरी तरफ अनचार्ज, उस पे वोटिंग भी होगा, डिस्कशन भी होगा, माथा फोड़ी भी होगा, माइक भी फेंका फेंकी होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। तो ये एक्सपेंडिचर भी इसके ऊपर, तो भारित और गैर भारित व्यय का यहां पे कहानी, आकस्मिक निधि, ये सारी चीजें। लेकिन अब कोई फी लगा दिया, कोई फाइन लगा दिया, तो ये सब अगर इसके अंदर आता है तो वो मनी बिल नहीं होगा। तो मनी बिल के लिए बेसिकली संचित निधि के आसपास की कहानी होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा हो जो संचित निधि के ऊपर वजन डाले या वहां से कुछ खर्चा निकाले या कुछ अपने इनकम्स को डाले, तो वैसी स्थिति में आकस्मिक निधि को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टैक्स वैक्स का, टैक्स लगाना बढ़ाना, इन सबको खत्म करना, इन सबको मिला देते हैं तो इससे मनी बिल हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या, कि वो मनी बिल वेरीफाइड होना चाहिए लोकसभा स्पीकर के द्वारा कि हाँ भैया ये मनी बिल ही है। तो हो गया मनी बिल। अब ये मनी बिल के साथ कंडीशन, ये जब होगा तो सरकारी बिल होगा, यानी कोई ना कोई मंत्री पेश करेंगे। दूसरा कंडीशन, राष्ट्रपति के परमिशन पे ही पेश होगा। तीसरा कंडीशन, लोकसभा में ही पेश होगा। चौथा कंडीशन, कि जब ये राज्यसभा में जाएगा, जब ये राज्यसभा में जाएगा तो, जब ये राज्यसभा में जाएगा तो वो मैक्सिमम 14 दिनों तक, मैक्सिमम 14 दिनों तक इस बिल को रोक सकता है। उसके बाद ये एज इट इज पास माना जाएगा जैसा लोकसभा में। राज्यसभा इसमें सिफारिश कर सकती है लेकिन लेकिन रिजेक्ट करने का पावर नहीं है, ये अस्वीकार नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, केवल इसकी सिफारिश कर सकती कि भाई इसको देख लो थोड़ा बहुत, लोकसभा को देखने का मन करे तो ठीक है, अदरवाइज वो एज इट इज पास हो जाएगा। तो 14 दिन रोकने का क्षमता है, इससे अधिक नहीं। यही है आपका मनी बिल। और ये मनी बिल जब पास होकर लोकसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति के प्री कंसेंट पे आता है, तब भी राष्ट्रपति इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसको साइन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसको रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, क्लियर। पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, सेम कंडीशन स्टेट पे भी है। तो राज्यपाल नहीं भेज सकते, यानी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ये कंडीशन है। आप वो वीटो इनको यहां नहीं मिला है। तीसरा है, अब आते हैं हम लोग फिनांस बिल पे। देखो फिनांस बिल दो होता है, 1171, 1173। अब यहां पे अंतर क्या है इसको ठीक से देखिए, ज्यादा कुछ झंझट नहीं है। हाँ, ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन यहां पे नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसका, तो क्या ज्वाइंट सेशन होगा, जरूरत ही नहीं, लोकसभा को, राज्यसभा को पावर ही नहीं है। यहां पे ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है। आप कहोगे फिनांस में है, बिल्कुल है, मैंने पूछा था ना, यहां पे है, ज्वाइंट सेशन होगा। ज्वाइंट सेशन किस कंडीशन में होता है, क्या संविधान संशोधन बिल में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में होता है, नहीं होता। क्या मनी बिल में होता है, नहीं होता। सिंपल बिल में होता है ना, होता है। तो वही ये सिंपल बिल बनने वाला है आपका, ये फिनांस बिल सिंपल बिल बनने वाला है। कैसे बनेगा, आर्टिकल 1171 का कंडीशन पहले जानिए। आर्टिकल 1171 इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 110 यानी मनी बिल से रिलेटेड तो सारे प्रोविजन हो सकते हैं, मनी बिल से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, यानी मनी बिल पूरा उठ के आ जाए यहां पे, लेकिन प्लस कुछ और भी आ जाए, कहीं फी लगा दिया, कहीं फाइन लगा दिया, तो कुछ और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ और आ जाए
जो आर्टिकल 1010 में शामिल नहीं है, तो 1010 के सब्जेक्ट्स तो यहां हो ही सकते हैं, साथ में उससे एक्स्ट्रा अगर कुछ भी रेवेन्यू से रिलेटेड आ गया, खर्च से रिलेटेड आ गया, तो वो बन जाता है फिनांस बिल। यानी ये मनी बिल ने अपने दायरे को जैसे थोड़ा सा भी बढ़ाया, ये फिनांस बिल के अंदर इसकी एंट्री हो जाती है। तो इस तरह से ये फिनांस बिल का काम करता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका फिनांस बिल। अब देखो इसका ये इस पे ज्वाइंट सेशन क्यों होता है, इसका कारण कारण ये है कि ये बिल मनी बिल के समान होता है। कहां तक? पहला, इसको राष्ट्रपति के प्री कंसिडरेशन यानी पूर्व सहमति से ही पेश किया जा सकता है। पहला कंडीशन, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही पेश किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन इसका क्या है, दूसरा कंडीशन यह है कि इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बस यही दो कंडीशन इस मैच करता है लोकसभा मनी बिल से, इसके बाद नहीं करता। ये दो कंडीशन मैच करता है मनी बिल से, इसके बाद नहीं करता। इसके बाद ये सिंपल बिल होता है, पास करो फेल करो, ज्वाइंट सेशन करवाओ, जो करना है करवाओ। ये सिर्फ राष्ट्रपति के पूर्व सहमति और लोकसभा में पेश होगा, इतना ही तक ये मनी बिल का इज्जत रखता है, इतना ही तक उसका सिमिलर है। बाकी सारा प्रोविजन इसका सिंपल बिल वाला आ जाता है और सिंपल बिल के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? एकदम ठीक है। चलिए अब आगे 1173 ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहां 110 वाला तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा, 110 का एक भी सब्जेक्ट यहां दिखना नहीं चाहिए, ऐसा इनका कहना है। दिख गया तो समझ लेना, यानी 110 का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, पहली बात। अब दूसरी बात तो क्या होगी भैया, 110 के अलावा जो हो जाए। अब सवाल है इसके साथ क्या, तो इसके साथ ये बिल्कुल सिंपल बिल ही होता है, कुछ नहीं है। इसको लोकसभा में डालो, राज्यसभा में डालो, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बस एक लोचा है यहां पे, वो ये है कि कहा जाता है कि कोई भी हाउस इस पर्टिकुलर बिल पे विचार तभी करेगा जब राष्ट्रपति ऐसा उनको करने के लिए कहेंगे, ठीक है। जब राष्ट्रपति उनको ऐसा करने के लिए कहेंगे तभी वो करेगा, इतना ही है, अदरवाइज ये भी हो गया सिंपल बिल। अब इसको भी आप पास कीजिए, फेल कीजिए, ज्वाइंट सेशन में लगाइए, जो करना है करिए, कोई नहीं पूछने जाएगा आपसे क्यों कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, ये वाला क्लियर हुआ सेक्शन की नहीं, ये बताइए। क्लियर है? ठीक है, क्या लिखे हो? अच्छा देखो यहां पे ना, ये क्या हो रहा है, 101 वाला, 110 का सब्जेक्ट इसमें हो सकता है, इसमें तो 110 वाला कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी मनी बिल का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। यहां मनी बिल का सब्जेक्ट होता है, प्लस वो अपने लिमिट को क्रॉस करके कुछ और रेवेन्यू वाले सिस्टम सेक्शन को भी, रूल्स को भी, जैसे फी लगा दिया, फाइन लगा दिया, वो मनी बिल में नहीं है। अब यहां हम लगा दिए, मनी बिल का प्रोविजन भी और फी और फाइन भी लगा दिए, तो ये लिमिट को क्रॉस कर गया, क्रॉस करने के कारण ये फिनांस बिल होता है। तो चूंकि मनी बिल का इसके अंदर चीजें हैं, तो थोड़ा इज्जत मनी बिल वाला भी रखा जाता है, और मनी बिल की तरह इसको दो नियम, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति और लोकसभा, इतना इज्जत दिया जाता है, बाकी सिंपल बिल होता है, और इसके अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो क्या करना है, तो यही अंतर है, ठीक है। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।